नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। सोनीपत स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नोवल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने अपराध स्थल से उंगलियों के छिपे निशान तलाशने के लिए नया सूक्ष्म पदार्थ विकसित किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने डॉट बुक आरंभ किया। दृष्टि बाधितों के लिए कम लागत में ब्रेल लिपि लैपटॉप तैयार। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने प्रौद्योगिकी विकास कोष के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। रोगाणुरोधी प्रतिरोध देश विदेश में स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता का अहम मुद्दा है। इस समस्या से निपटने पर विचार के लिए ब्रिटेन स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के साथ संयुक्त रूप से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नोवल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर आडा योनाथ ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। पेश है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सोनीपत परिसर से ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। जीवाणु हमारे चारों ओर हैं। मानव शरीर में जीवाणुओं के कारण होने वाले विभिन्न शारीरिक संक्रमण उत्पन्न होने की प्रवृत्ति होती है। जीवाणुओं के कारण होने वाले कुछ सामान्य संक्रमणों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं, खून में गंदगी, निमोनिया, आहार के कारण होने वाली बीमारियां तथा कान का संक्रमण शामिल है। इन रोगों के उपचार के लिए डॉक्टर प्रतिरोधी दवाएं देते हैं ताकि शरीर में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। लेकिन इन दिनों लोगों में हल्के बुखार या दर्द निवारण तक के लिए प्रतिरोधी दवाएं लेने का चलन बढ़ता जा रहा है। प्रतिरोधी दवाओं के गलत इस्तेमाल तथा अधिक इस्तेमाल के कारण शरीर में रोगाणुरोधी प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। गलत इस्तेमाल तथा अधिक इस्तेमाल के कारण जीवाणुओं से होने वाले संक्रमण को रोकने में प्रतिरोधी दवाएं असमर्थ होने लगती है। कुछ दवाओं के लिए प्रतिरोध उत्पन्न होने के कारण कई बार उपचार बेअसर हो जाता है, लिहाजा रोगाणुरोधी प्रतिरोध दूर करने की आवश्यकता है। इसी समस्या पर विचार विमर्श के लिए SRM विश्वविद्यालय दिल्ली तथा हरियाणा के सोनीपत स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नोवल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी नामक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। 3 दिवसीय सम्मेलन ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन के सहयोग से आयोजित किया गया। वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर आडा योनाथ इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी। सम्मेलन में ब्रिटेन स्थित लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर साइमन क्रॉफ्ट तथा इस क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक समुदाय के विभिन्न विशेषज्ञ भी शामिल हुए। The resistance is the mechanism that bacteria is using against antibiotics that are made by other bacteria. We as human beings are only using it, and in the middle last century, after the 50s, when antibiotics went into use, companies improved them. They took the natural products, improved, made them act faster, penetrate better, be less poisonous, and so on. But not many new ones. So it's very good that we have this conference to discuss them, to be aware of them, to be open for them. सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर आडा योनाथ ने विशेष व्याख्यान दिया। 3 दिवसीय सम्मेलन में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विस्तार पर चर्चा की गई। सम्मेलन में विचार किए गए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, होस्ट पैथोजन इंटरैक्शंस एंड इम्यूनिटी शामिल थे। सम्मेलन में नई प्रतिरोधी दवाएं विकसित करने की चुनौतियों, जांच प्रणाली तथा रोगाणुरोधी दवाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया।
इस नतीजे पर पहुंचा गया कि जीवाणुओं का संक्रमण समाप्त करने के लिए प्रतिरोधी दवाएं विकसित करने की प्रक्रिया धीमी तथा मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों के संयुक्त सहयोग से ये परेशानी दूर की जा सकती है। भारत में AMR एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है। इस स्वास्थ्य समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017-2021 कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम में रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर ध्यान दिया गया है तथा प्रतिरोधी दवाओं के इस्तेमाल के लिए मानक दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोकने तथा उन पर काबू पाने की दिशा में वैज्ञानिकों, जैव तकनीशियनों तथा फार्मा विशेषज्ञों की भूमिका काफी अहम है। अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम तथा खोजी एजेंसियां पुख्ता सुराग तलाशती हैं। ये सुराग पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने, किसी नतीजे पर पहुंचने तथा असली अपराधी को पकड़ने में मददगार साबित होते हैं। अपराध स्थल पर उपस्थित लोगों की पहचान करने में उंगलियों के निशान काफी महत्वपूर्ण होते हैं, लिहाजा अपराध स्थल से उंगलियों के निशान प्राप्त करने तथा उनकी पहचान के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन उनमें कई खामियां होती हैं। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक सूक्ष्म पदार्थ विकसित किया है जो घटना के 50 दिनों के बाद भी उंगलियों के निशान की पहचान कर सकता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। आमतौर पर उंगलियों के निशान इंसानों के शरीर समेत किसी भी ठोस सतह पर पाए जा सकते हैं। जांच करने वाले उंगली के निशान को तीन वर्गों में बांटते हैं। ये वर्गीकरण उस सतह के प्रकार पर निर्भर करता है जिन पर वो पाए जाते हैं और देखे जा सकते हैं या अदृश्य रहते हैं। साबुन, वैक्स तथा गीले पेंट जैसी कोमल सतहों पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशान त्रिआयामी प्लैटिक निशान होते हैं। कठोर सतहों के निशान प्रत्यक्ष या छुपे हुए हो सकते हैं। जब रक्त, धूल, स्याही, पेंट आदि किसी उंगली से या अंगूठे से होकर सतह पर गिरता है तो प्रत्यक्ष दिखने वाले निशान बनते हैं। ऐसे निशान चिकने, रूखे, छिद्रयुक्त या बिना छिद्रयुक्त सतहों पर पाए जा सकते हैं। शरीर से उत्पन्न प्राकृतिक तेल या त्वचा का पसीना किसी दूसरी सतह पर जमा होता है तो छिपे हुए या अदृश्य निशान बनते हैं। इंसानों के उंगलियों की टोपोलॉजी के मुताबिक अपरिवर्तित रिज पैटर्न उंगलियों के किसी सतह के संपर्क में आने पर अनोखे निशान बनाती है। त्वचा की सतह से होने वाले स्राव अन्य सतह पर जाकर रिज पैटर्न का निशान बनाते हैं, लिहाजा अपने अनोखेपन तथा रिज पैटर्न की पेचीदगी के कारण फॉरेंसिक विज्ञान में व्यक्तिगत पहचान के लिए उंगलियों के निशान सर्वश्रेष्ठ सुराग होते हैं। अब तक पारंपरिक विधियों में चिकने या बिना छिद्र वाली सतह पर काला पाउडर डालकर विभिन्न प्रकाशीय तस्वीरें खींचने की विधियों से सफलतापूर्वक उंगलियों के निशान प्राप्त किए जाते थे, लेकिन प्रकाशीय तस्वीरों से जांच की विधियों में कुछ खामियां थीं। उंगलियों के निशान तलाशने से जुड़ी सभी संभावित खामियों को दूर करने के लिए दुर्गापुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भौतिक विभाग के सूक्ष्म विज्ञान प्रयोगशाला में प्रोफेसर पथिक कुंभकर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक विधि विकसित की है। इस विधि में पारंपरिक विधियों की खामियों को दूर कर स्मार्टफोन की मदद से उंगलियों के निशान तलाशने के लिए सूक्ष्म प्रौद्योगिकी पर आधारित अनोखा पदार्थ विकसित किया गया है। We have taken an interest to develop the two-dimensional nanostructure of genes outline. We do dual doping of manganese and copper to achieve high visible photoluminescence. And this material has been fruitfully utilized to detect latent fingerprint. So this research is going to play a very important role in future, not only in detections of the fingerprint, but also in other applications of electronics. प्रोफेसर पथिक तथा उनकी टीम ने मैंगनीज तामा को डोप्ड ZNS सूक्ष्म प्रणाली का उपयोग कर सूक्ष्म पदार्थ का संश्लेषण किया जिसमें मजबूत तथा स्थायी दिखने योग्य चमकदार गुण हैं। शोधकर्ता सूक्ष्म विज्ञान, फोटोनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक शाखाओं के समन्वय से उंगलियों के छिपे हुए निशान जिन्हें लेटेंट फिंगरप्रिंट्स या LFV कहते हैं का प्रदर्शन करने में सफल रहे। विशेषकर फॉरेंसिक जांच में मैंगनीज तांबा को डोप्ड ZNS सूक्ष्म प्रणाली की काफी उपयोगिता है जिसमें उंगलियों के निशान का काफी महत्व है। जांच के लिए LFV पदार्थ को उंगलियों के निशान की जगह बिखेरा जाता है, उस पर स्मार्टफोन की LED से प्रकाश डालने पर उंगलियों के निशान पीले नारंगी रंग उत्सर्जित करते हैं
जिसकी तस्वीर फोन से खींच ली जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट आधारित एप्लीकेशन जैसी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से उंगलियों के निशान की तस्वीर का प्रसंस्करण किया जाता है। This is an excellent work and a real step towards development. As you might be knowing that this will help immensely the art of capturing fingerprints for forensic and other purposes. These things will help in having a much more reliable fingerprint identification system. And this is an excellent work that has taken place from NIT Durgapur. NIT Durgapur was the leader in this work, although there were other collaborators like IIT Kharagpur. इस शोध को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने सहयोग दिया है। प्रोफेसर पथिक तथा उनकी टीम के द्वारा तैयार किया गया ये कार्य निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, जिसमें सूक्ष्म विज्ञान तथा फोरेंसिक जांच के क्षेत्रों के लिए भारी संभावना है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने भारत का पहला ब्रेल लिपि लैपटॉप विकसित किया। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में सामाजिक समावेश तथा समान अवसर उत्पन्न करने जैसे मुद्दों को आधार बनाकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने डॉट बुक नामक एक ब्रेल लैपटॉप विकसित किया है। इस लैपटॉप का संचालन काफ़ी आसान है तथा ये दृष्टिबाधितों को अपने बल पर डिजिटल दुनिया की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। लैपटॉप में ईमेल, कैलकुलेटर तथा वेब ब्राउजर जैसी पारंपरिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी शामिल किया जा सकता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। दृष्टि बाधितों को अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आधुनिक समय में उनकी एक बड़ी चुनौती कंप्यूटर या लैपटॉप तथा उनसे इंटरनेट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करना है। दृष्टिबाधितों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, क्रिटिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, फिनिक्स मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड तथा सक्षम ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से भारत का पहला ब्रेल लैपटॉप आरंभ किया है, जिसका नाम डॉट बुक है। इस उपकरण में उभरे हुए डॉट के रूप में ब्रेल लिपि है, जो दृष्टिबाधितों के इस्तेमाल के अनुरूप है। डॉट बुक में इंटरनेट सर्च करने जैसे सामान्य कार्यों समेत सभी अन्य एप्लीकेशन तथा फीचर उपलब्ध हैं। इसके फीचर्स में ईमेल, कैलकुलेटर तथा वेब ब्राउजर शामिल है। We took in a lot of the software components which have been available in the open source, modified them to make them more accessible to the visual impaired community. So that they can actually use these applications in their daily lives and utilize them also in either an educational environment or in their professional lives. We've also created this platform wherein we can keep adding on more applications as time goes on, bring out more updates for the users. All of our designs, all of our, let's say, mechanical designs, all our software designs, all our applications, were vetted with the actual users, and that's what I think has been the real enabler in terms of making this product happen. दृष्टि बाधितों के सशक्तिकरण के लिए उनमें स्वयं सीखने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है, जिसमें ब्रेल लिपि काफी मददगार है। डॉट बुक पढ़ने, लिखने, सुनने, ब्राउज करने तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का संपादन करने में सक्षम है। इसे लैपटॉप, कंप्यूटर, वेब, मोबाइल के तार, वाईफाई तथा ब्लूटूथ के साथ जोड़ा जा सकता है। डॉट बुक स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय में लोगों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगा। डॉट बुक के द्वारा स्कूली छात्रों को डिजिटल रूप में नोट्स उपलब्ध होंगे। ब्रेल लिपि के ऑनलाइन स्रोतों के द्वारा पुस्तकें भी डाउनलोड की जा सकती हैं। इसके अलावा नए उपकरण में डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, ईमेल के इस्तेमाल तथा इंटरनेट ब्राउज करने की भी सुविधाएं हैं। डॉट बुक का बैटरी बैकअप करीब 8 घंटे का है। इसकी बैटरी विशेष रूप से शेप मेमोरी नामक मिश्र धातु की तकनीक से तैयार की गई है,
शेप मेमोरी एक स्मार्ट मिश्र धातु होता है जो गर्म होने पर आकार खोने के बाद ठंडा होने पर अपनी याददाश्त से अपना मूल आकार ग्रहण कर लेता है। उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए इसके डिजाइन के प्रयोग किए जा चुके हैं। टीम ने देश भर के 10 से अधिक स्थलों पर विभिन्न संगठनों के 200 उपयोगकर्ताओं पर इसका अध्ययन किया है। डॉटबुक ने लोगों के लिए दुनिया के साथ आसान संचार का रास्ता खोल दिया है जो ब्रेल लिपि में ही लिख और पढ़ सकते हैं। रक्षा प्रणाली में उपयोग होने वाली प्रौद्योगिकी तथा सामग्रियां तेजी से बदल रही हैं। रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नई सामग्रियों तथा प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन और विकास के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन यानी DRDO ने प्रौद्योगिकी विकास फंड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर होना है। कार्यक्रम के मानदंडों तथा इसके लाभ पर पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। हथियार बनाने से लेकर रसद पहुंचाने की योजना बनाने तक रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सब कुछ प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। भारत की रक्षा प्रणाली में थल सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल है। तीनों सेनाओं को सुरक्षा, निगरानी और संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। रक्षा क्षेत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों में फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल कमांड, रडार और जासूसी उपग्रह जैसी चीजें शामिल हैं। भारत के पास उच्च आधुनिक रक्षा उपकरण और कई नए उपकरण बनाने की तकनीकी क्षमता है। कई कंपनियों और सरकारी संगठनों ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरण विकसित करना शुरू कर दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO इस तरह की पहल करने में सबसे आगे रहता है। इसके लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा प्रौद्योगिकी विकास कोष यानी TDF की शुरुआत की गई है। इस पहल में ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस यानी गीता एक सहायक एजेंसी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक विकसित करना है। इसके अलावा इस रक्षा आधारित योजना के माध्यम से दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो इस समय भारत में उपलब्ध नहीं है। TDF भी सरकार की मेक इन इंडिया पहल का ही एक हिस्सा है। TDF तीन सेवाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। TDF सार्वजनिक निजी उद्योगों और अति लघु, लघु और मध्यम उद्यमियों यानी MSME को भागीदारी के लिए आमंत्रित करता है। परियोजना के लिए उद्योग नवाचार, अनुसंधान और विकास के लिए अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट की फंडिंग 10 करोड़ रुपए तक है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को 2 साल की अवधि के भीतर पूरा किया जाना जरूरी है। परियोजनाओं को डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उसकी अवधि समर्थन और विनिर्माण क्षमता के आधार पर चुना जाता है। ऐसी ही एक तकनीक विकसित की गई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित ट्रॉल सिस्टम है। ये DRDO के आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर के तहत एक प्रमुख सिस्टम इंजीनियरिंग प्रयोगशाला है। भारतीय सेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध क्षेत्र में खदान वाले इलाकों की सफाई के लिए ट्रॉल सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। TDF योजना इस क्षेत्र में क्षमताओं का विस्तार करने और बेहतर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देशित प्रौद्योगिकियों की विभिन्न अवधारणाओं को भी लक्षित करती है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने 35 भिन्न कृमियों का अध्ययन किया है जो अपने शरीर के विभिन्न भागों को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। कम से कम 4 भिन्न प्रकार के कृमि अपने सिर को दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। इन कृमियों का जीव विज्ञान अत्यंत लाभदायक हो सकता है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों में ऐसे गुणों वाली कोशिकाएं मौजूद हैं, लिहाजा अगर उन पर शोध किया जाए तो मनुष्य भी मांसपेशियां और कार्टिलेज स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु तथा अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक बौने मेढक की खोज की है। ये मेढक केरल में वायनाड की पहाड़ियों के शीर्ष पर पत्तियों की गंदगी के नीचे पाया गया। वैज्ञानिकों ने इसके शारीरिक, कंकाल तथा अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया तथा दुनिया भर के संग्रहालयों में रखी गई इसी प्रजाति के अवशेषों से उनकी तुलना की। कंकाल को स्कैन करने से पता चला कि इस आकार के अन्य मेढकों की तुलना में वायनाड में पाए गए मेढक का कंकाल बिल्कुल भिन्न है। अनुवांशिक अध्ययन से पता चला कि ये प्रजाति कम से कम 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। ये खोज PRJ पत्रिका में प्रकाशित हुई है। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल पत्रिका में प्रकाशित हाल ही में हुए एक खोज के मुताबिक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने विशाल तथा काफी दूरी पर स्थित 83 आकाशीय पिंडों की खोज की है। सुपरमैसिव ब्लैक होल में स्थित ये पिंड पृथ्वी से 1300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है तथा उस समय से मौजूद है जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु से 10% कम था। ब्लैक होल उस स्थान को कहा जाता है जहां कोई पदार्थ स्वयं जाकर समाप्त हो जाता है। पदार्थों के विनाश के कारण भारी मात्रा के द्रव्यमान काफी कम क्षेत्र में संघनित हो जाते हैं। आकाशगंगाओं के मध्य पाए जाने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य की तुलना में लाखों करोड़ों गुना अधिक हो सकता है। स्प्रिंगर नेचर इंडिया ने हाल ही में डच वैज्ञानिक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर बेन फेरिंगा का व्याख्यान आयोजित किया। प्रोफेसर बेन को आणविक मशीन का डिजाइन तथा संश्लेषण तैयार करने के लिए वर्ष 2016 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर फेरिंगा ने वर्तमान समय में ट्यूमर तथा कैंसर के उपचार के लिए आधुनिक दवा प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत सूक्ष्म तकनीक की भूमिका पर व्याख्यान दिया। युवा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्कृष्ट शोध के लिए मौलिक विज्ञान के समझ की व्याख्या की। व्याख्यान का संचालन नेचर इंडिया की संपादक शुभ्रा प्रियदर्शनी ने किया। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन को, जो एक गणितज्ञ तथा भौतिक विज्ञानी थे। वो सर्वकालिक अग्रणी वैज्ञानिक हैं, जिन्हें मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में न्यूटन के नियमों, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज तथा कैलकुलस विकसित करने के लिए याद किया जाता है। गति के सिद्धांत को भौतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों में एक माना जाता है। पेड़ से एक सेब को गिरते देखकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये कहानी आज भी लोकप्रिय है। उनके द्वारा प्रतिपादित गति के 3 सिद्धांत भार, गति तथा बल के बीच संबंध दर्शाते हैं। बल की SI इकाई न्यूटन है, जो उनके सम्मान में रखी गई है। सर न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम विकसित किया। इसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष में अंडाकार पथ पर घूमने वाली वस्तुओं का अध्ययन किया। 3 खंडों में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में उन्होंने अपने शोध का वर्णन किया। 20 मार्च 1726 को इंग्लैंड में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सर न्यूटन को सर्वकालीन अद्भुत वैज्ञानिक प्रतिभा माना जाता है। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।